उत्तर प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए कई कानून और फोर्सेस लगाई हुई हैं, लेकिन इन कानून की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। इसका सीधा साधा मुआयना देखने को मिल रहा है देवरिया जनपद में। दिन दहाड़े एक लड़की पर 3 बदमाशों ने एसिड फेंक दिया और वहाँ से फरार हो गए। एसिड की जलन से छात्रा चीखने चिल्लाने लगी, तभी किसी व्यक्ति ने 100 नंबर पर फ़ोन कर पुलिस को जानकारी दी, जिसको पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा और उसका प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? मोनिका मिश्रा नाम है। कैसे हुआ ये? हमको बार बार ये लोग धमकी दे रहे हैं कि तुमको हम क्या करेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो हमको असो हाल मिल गए, हम तो हमारे ऊपर होते जाप फेंक दिए। उनके साथ 4 लोग थे। 4 लोग ने पहले अबरजीत सिंह के लड़के हैं, कुबेर है, कुबेर अशोक के साथ है, कुबेर के लड़के बर्जेस है, जो हमें पहले कल्पना चौराहे पे कहे कि तुम जाओ, आज तुमको इतनी सीढ़ी नहीं छोड़ेंगे, जाओ घर नहीं वापस आओ। हमारे साथ छेड़खानी वो लोग की है। इसी केस को सुलह कराने के लिए, मैं सुलह का नाम नहीं ले रही थी, वही बात के लिए आज हमको ऐसा किए हैं, हमारे ऊपर फेंके हैं। क्या नाम है उनका? अशोक नाम है, कुबेर नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? तुम्हारा क्या नाम है? मोनिका मिश्रा नाम है। पिता का नाम? श्री मार्कंडेय मिश्रा। वजह क्या थी? हमारे साथ छेड़खानी की थी। हमारे वहाँ मोनिका मिश्रा एज अबाउट 20 ईयर फीमेल, डाटर ऑफ मार्कंडेय मिश्रा आर ओ अमाओ बी एस 12 है। हमारे वहाँ भर्ती हुई है 31/7/2017 8:55 AM पे। इनके ऊपर केमिकल बर्न इंजरी है, दोनों पैर में है, हिप में है। इनको केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन और ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया है। सर्जन को इन्फॉर्म कर दिया गया है, सर्जन ने देख लिया है, इनको एडमिट कर लिया है। पुलिस की कार्रवाई है। इसमें पोजीशन उसका क्या है? पेशेंट कंसेस ओरिएंटेड है, जीसी। थैंक यू। लेकिन छात्रा ने उन मुजरिमों का नाम पुलिस को बताते ही पुलिस हरकत में आई और उनको शहर से बाहर निकलते ही धर दबोचा, जिसमें 3 लोग एसिड फेंक एक ही बाइक पर भाग रहे थे। थाना कोतवाली क्षेत्र में क्या बता रहे हैं, एसिड अटैक से पीड़ित एक लड़की की सूचना हमें मिली। PWD जो डा बंगला है उसके आसपास की घटना है। SP बंगला भी है बगल में, पुलिस ऑफिस भी है। तो वहाँ पर कुछ लड़कों ने इस पर अटैक किया, पीठ पे अटैक होने के बाद जो है वो लोग भाग गए। लड़की को तत्काल हमारी टीम ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहाँ पे वो उपचार था, टोटली आउट ऑफ डेंजर है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो नाम लड़की ने बताए थे, जो कि हमें मतलब इसकी सूचना मिली, तत्काल उस पर विभिन्न स्थानों पर दबिश चलाई गई और तीनों को जो है भालुबानी पहुंचते ही वो अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए और पुलिस ने उन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी।